सफेद मावे में छिपी है काली साजिश। चीन से आया है मावा बम, मावे में छिपा है मौत का सामान। दीपावली की खुशियों पर लगा देगा ग्रहण। चंद पैसों के लिए हो रहा है सेहत से खिलवाड़। सिक्कों की खनक में खो गया है ईमान। तो दिवाली पर बर्फी खाने से पहले हो जाइए सावधान। रसगुल्ले की चाशनी से हो जाइए सतर्क। मुंह मीठा कराना आपकी आदत सही, लेकिन जरा संभल कर, उस पर लग गई है मुनाफाखोरों की काली नजर। न्यूज नेशन करेगा एक एक साजिश को बेनकाब। मिलावटखोरों ने दिल्ली से लेकर अलीगढ़ तक कैसे बिछा रखा है मिलावट का जाल, बताएंगे आपको। कैसे हो रहा है आपकी सेहत से खिलवाड़, दिखाएंगे आपको। कैसे लालच का जहर आपके अपनों की रगों में दौड़ाने की कर ली है मिलावटखोरों ने तैयारी। अगले एक घंटे तक होगी पड़ताल, तो बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। मिलावट का ये खेल हर साल लगातार आप टेलीविजन चैनलों पर देखते चले आ रहे हैं, इसके बावजूद न तो इस पर नकेल लग पा रही है, न ही पुलिस या किसी भी तरह की सरकारी एजेंसी इसके बाबत कोई ठोस कदम आगे बढ़ाती है। आखिरकार मिलावट का ये खेल क्यों इतना बड़ा है? वो इसलिए बड़ा है क्योंकि पैसे आप देते हैं, सामान आप खरीदते हैं और उसके साथ साथ अपनी सेहत आप गंवाते हैं। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको जानकारी नहीं है कि जिस मिठाई का सेवन आप करने जा रहे हैं वो मिठाई असली है या नकली, या फिर उसमें मिलावट है या नहीं। हल्की सी मिलावट आपकी सेहत को कहां से कहां पहुंचा दे, इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक नहीं है क्योंकि आप इसे भोगते रहते हैं। क्योंकि अस्पतालों के चक्कर लगा लगा कर हम हिंदुस्तानी अब इतना तो समझ गए हैं कि मिलावटी सामान हमारी सेहत के लिए कितना खतरनाक है, दरअसल जानलेवा है। इसलिए एक बार फिर आपके सामने दीपावली के इस शुभ मौके पर मिलावट के इस बड़े गड़बड़झाले को लेकर हम उपस्थित हुए हैं, सिर्फ आपको आगाह करने के लिए। ये खुशियों का त्यौहार है, खुशियों से मनाइए, बस मुंह मीठा करने के चक्कर में किसी को अस्पताल मत भेज दीजिए। मावे के अनर से मावे की बर्फी, मावा भरी गुजिया और मावे से बना मिल्क केक। मिठाई है तो त्यौहार है, तश्तरियों में रखी मिठाइयां देखकर जी ललचा जाता है, जुबान पर मिठास तैरने लगती है, दिवाली की खुशियां दोगुनी हो जाती हैं, अपनों से मिलने मिलाने का मौका खास बन जाता है। लेकिन अमावस की काली रात को चीरती दियों की रोशनी पर मिलावट का ग्रहण लग चुका है। मौत का माया जाल यूं बुना जा रहा है कि आपको एहसास भी नहीं होगा और आप हो जाएंगे बीमार। ये जहर धीरे धीरे आपकी रगों में समा जाएगा। दीपावली पर मिलावट का बाजार हर बार की तरह इस बार भी सरगर्म है। न्यूज नेशन की टीम मिलावट खोरों की पड़ताल पर निकली तो सामने आया एक चौंकाने वाला सच। हमने अब तक चीन की लड़ियां देखी थी, चीन के पटाखों से पटे बाजार देखे थे, चीन के प्लास्टिक के चावलों के बारे में भी जाना था, लेकिन अब जालसाजी के खेल में पहली बार हमारे कानों में एक शब्द गूंजा, चीनी मावा। लोगों की सेहत से खिलवाड़ के लिए बाजार में चीनी मावा आ चुका है जो किसी बम से कम नहीं। यकीन नहीं हुआ ना, और तब शायद और भी चौंक जाए जब ये पता चले कि मावा बम दिल्ली में बिक रहा है। एक बार की हम भी चौंक गए थे, लेकिन पड़ताल जरूरी थी जिसकी एक कड़ी जुड़ती थी राजधानी दिल्ली के दीवार फतेहपुरी में। खोआ खरीदने जाएंगे तो भाव होगा 260 रुपए प्रति किलो, वहीं बाजार के अंदर घटिया क्वालिटी का खोया भी मौजूद है, लेकिन इस बार नकली खोए के नाम पर बिक रहा है चाइनीज खोआ, जिसकी सरकार को अभी तक भनक नहीं है। इसको लेकर न्यू नेशन आपको बताएगा कि चाइनीज खोआ क्या है। दिल्ली की दीवार फतेहपुरी में हमारा ठिकाना थी ये दुकान और हमारी कड़ी था ये शख्स नट्टा। हम जानना चाह रहे थे कि क्या चाइनीज खोया वाकई सच्चाई है, क्या वाकई चाइनीज खोया इस बार दिवाली पर ग्रहण लगा सकता था। तो सबसे पहले सुनिए नट्टा की जुबानी चाइनीज खोया के बिकने का सच। अब बताओ क्या क्या काम है? हमें तो खोया चाहिए था भाई साहब।
तुम हवाई न देते सप्लाई करते हो क्या? खोया तो देखा 240 रुपये रेट होता है, ये तो आपको पता ही है। 240 रुपये का प्योर और डालडे का रेट रहता है 140 रुपये। बढ़िया डालना लोगे तो कम से कम 20 रुपये आता है, 160 रुपये में डालना मिलेगा बढ़िया। मीडियम लोगे हल्का लोगे तो ये मिलेगा डालडा खोया। हाँ डालडे, इससे ऊपर लोगे तो 60 रुपये मिलेगा बढ़िया खोया। और दर वाला खोया 240 का था, इससे प्योर भी ऊपर बिकते हैं, 5 ऊपर मिल जा, 10 ऊपर मिल जा, 15 मिल जा, 20 मिल जा, यानी 50 तक ऊपर खोया मिलता है 10 से ऊपर। इतने तक स्टार्टिंग होती है, इतने तक एंड हो जाता है, दर से भी ऊपर खोया बिकते हैं। चाइनी है, ये चाइनी खोया भरा जा रहा था अभी, जिसके बाद देखो ये चाइनी खोया भरा था भी हमने 400 किलो किसी का, देखो 168 आया था, 1,600। चाइनी क्या भाव है? चाइनी क्या, चाइनी क्या भाव पड़ेगा? मान लो 70 रुपए का लपेट मान लो। इसे क्या बढ़ गया है? इसे कैसे बढ़ा दिया? दिवाली नहीं चल रही, दिवाली चल रही कानों को यकीन नहीं हुआ। 170 रुपए किलो के हिसाब से चीन का सफेद शहर बाजार में बिक रहा है। हम अपनी पड़ताल को मुकम्मल करना चाहते थे, लिहाजा हमने चाइनीज खोए की दो वैरायटी दी। चाइनीज वाला सही है, चाइनीज वाला 17 को हो सकता है मंदा मिल जाए, खोया मिल जाए 160 में मिल जाए, 150 में मिल जाए, पता तो ही लगते कोई और ना मिला तो वही 200 में खोया नहीं मिलता। वही तो बात है, वही तो बात है ना, बात खराब ना हो। 17 में आप तुम हमारे पास यहाँ 9 बजे तक आ जाना, ठीक है? तो मैं खोया दिखाते रहेंगे, हाड़े वहाँ से खरीदते रहेंगे, भेजते रहेंगे, ठीक है? आप हमारे साथ रहना, ठीक है? जैसा भी रेट मिलेगा वो तुम्हारे सामने रेट का होगा। धाप तो मैं दे दूँगा, धाप चाइना में देता हूँ, सस्ती भी बढ़िया अभी। कितने बढ़ेगा धाप? मिल जाएगी 160 रुपये किलो में चाइना में। हाँ, वो कहीं भी आँख नीच कर किसी को जाए शिकायत का मौका नहीं। ठीक है, जो खोया हम देंगे ना आपको, शिकायत नहीं आएगी आपकी। शिकायत नहीं आनी चाहिए, शिकायत आएगी तो फिर फायदे क्या काम करने का? तुम्हारे खोए में शिकायत नहीं आएगी, इसकी गारंटी हमारी है। अपनी पड़ताल को और पुख्ता करने के लिए हमने आधा आधा किलो दोनों तरह का चीनी मावा खरीद लिया। एक तो आधा आधा किलो हमें एक चाइना वाला दे दो, एक अभी एक वो दे दो। आप दोनों नूरा वाला खोया बच रहा था, चलो तुम्हें ठंडा खोया दे दो ना, है यहाँ पे ले जाएंगे गर्म हो जाएगा खाला। कितना चाहिए? ये तो थोड़े ही चाहिए, ये 70 का खोया लेना। चाइना का लाए, आराम लाए थे 70 रुपये चाइना आइए। नट्टा से हमें चीनी मावे की दो वैरायटी मिल चुकी थी। नट्टा की जुबानी अब आप ये भी सुन लीजिए कि कैसे झूठ के इस बाजार में वो चीनी मावे के कसीदे पड़ रहा है। ये कौन सा? ये चाइना वाला। इसमें आधा किलो तोल लो, ये चाइनीज वाला ये बढ़िया दाप है, ये प्योर में दाप चलती है। दिवाली के बाजार में आपको किसी चीज़ की गारंटी नहीं मिलती, लेकिन कारोबार झूठ का हो तो भरोसा ज़्यादा अहम हो जाता है। इतना यकीन, इतनी गारंटी आपको शायद ही कोई दुकानदार दे, लेकिन नट्टा चीनी मावे की पूरी गारंटी ले रहा था। हमारे सामने बड़ा सवाल ये था कि क्या ये चाइनीज़ मावा वाकई चीन से आ रहा है, और नकली मावे के मुकाबले ये कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए, प्योर खोए में तो कोई दिक्कत नहीं, पर खोए में जब हम तेल मिलाते हैं या खोए में ऐसी चीज मिलाते हैं जिससे उसकी मात्रा बढ़ जाए तो वो हानिकारक तो है ही। अब तेल जो मिला रहे हैं वो तेल सिंथेटिक ऑयल्स हैं, ये कोई खाने वाले तेल नहीं मिला रहे,
कि सिंथेटिक ऑयल्स उसमें मिलाए जा रहे हैं, उसमें ऐसे तत्व हैं। अब यूरिया कोई मिला दे, अब यूरिया मिला के अगर हम यूरिया वाली मिठाई खाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी हमारी किडनीज पर उसका असर आएगा। दिल्ली की करीब 2 करोड़ आबादी के लिए दिवाली पर मिठाइयों की कोई कमी नहीं। मोरी गेट की खोया मंडी में हमारी अगली पड़ताल का पड़ाव था लक्ष्मी चंद सतीश प्रजापति। नट्टा ने हमें चीनी मावे की 2 वैरायटी दी तो मोरी गेट में आकर हमें ये पता चला कि बाजार में चीनी मावे की कोई कमी नहीं। लक्ष्मी चंद ने हमें ये भी बता दिया कि चीनी मावे की फैक्ट्री चीन में नहीं, मोरी गेट की इस दुकान में है। यहीं चीनी मावा तैयार किया जाता है और इसमें इस्तेमाल होने वाला पाउडर और घी भी चीनी है। विनीता यादव के साथ राम कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह से एक पूरे का पूरा गड़बड़ झाला हमारे सिस्टम में है। हर साल तमाम न्यूज़ चैनल्स या अखबारों में आप ये खबर देखते हैं कि कैसे मावा, जो कि या तो नकली है या बड़े पैमाने पर मिलावटी है, मिठाई बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये स्थिति आज स्पष्ट हमारे सामने है। बिजन मिश्रा जी इसमें हमारे साथ मौजूद हैं, MC द्विवेदी जी लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विनीता यादव हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके निगरानी में ये सारा का सारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया है। शुरुआत में विनीता आपसे करूँ, चीनी मावा, अभी तक तो हम चीनी सामान ढूंढते आए थे, ये चीनी मावा कहाँ से ढूंढ लाई आप? क्योंकि बाजार में है जे, इसलिए चीनी मावा मिल रहा है। और ये पहली बार ऐसा सुनने में आया है कि चाइनीज मावा के नाम से खोया जो है वो बाजार में बिक रहा है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि चाइनीज मावा इसका नाम क्यों रखा गया है, शायद इसलिए ताकि लोग चाइना के नाम से ही कुछ चीज़ें खरीद लेते हैं, सस्ता समझते हैं और सोचते हैं कि इसी से मिठाइयाँ बना करके, क्योंकि सस्ती होगी लेकिन लागत जो जो उसे बेचा जाएगा जब, तो वहाँ से उनको ज़्यादा कमाई हो पाएगी, तो फायदे वाली चीज़ अक्सर उसमें ढूंढते हैं और इसी वजह से वो इसको चाइना के मावे के तौर पर बेच रहे हैं और सीधे सीधे तौर पर ये कहकर बेच रहे हैं कि ये चाइना का मावा है, वहां से पाउडर आ रहा है, घी आ रहा है और उसके बाद यहां पर उसको बनाया जा रहा है। विजयन जी, हर साल लगभग इस तरह की खबरें आप देखते हैं, ग्राहकों को आगाह करते हैं, न्यूज चैनल भी करते हैं, अखबार भी करते हैं, इसके बावजूद स्थिति जस के तस बनी हुई है। क्या कभी हमारे देश में कुछ हो सकता है या हम मान ले कि हम सिर्फ मरने के लिए पैदा हुए हैं, क्योंकि इस तरह के मिलावटी सामान को खाने के बाद मरने के अलावा कोई और रास्ता तो है नहीं, हम अस्पताल का बिल ही बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल सही कहे आप, हम तो 20 साल से जूझ रहे हैं इसको लेकर जी, 20 साल से सरकार के सामने इस बात को बार बार जब लाते हैं, क्या पाते हैं कि जो सरकारी तंत्र है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट पे कोई मतलब नज़र ही नहीं है इस बातों को लेकर। वो केवल ब्लेम करेंगे कि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास यू नो क्षमता नहीं है जी, ब्लेम गेम चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करो, फूड सेफ्टी अथॉरिटी से, नेचुरली लॉ ये कहता है कि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट को पालन लागू करना है, स्टेट को सक्रिय रूप से आगे बढ़ना चाहिए और स्टेट कुछ नहीं करते हैं। हम लोग कानून भी बदल दिए, 2006 में नया कानून भी आ गया, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट को हटाकर हम लोग ले आए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, जिससे हम लोग सोचे कि हो सकता है कि अब कोई खुलासा आएगा, अकाउंटेबिलिटी होंगे, इन्हों लोगों उत्तरदायित्व होंगे। लेकिन आज तक कुछ मिला आपको? कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं। आप देखेंगे कि कभी कभी छापा भी जब हो भी जाता है, जब वो प्रोसिक्यूशन शुरू भी हो जाते हैं, तब भी कुछ नहीं, कभी भी हम कोई कन्विक्शन का नाम तो सुने नहीं है। बिल्कुल यही बात द्विवेदी जी से हम समझना चाहेंगे। द्विवेदी जी,
आप पुलिस महकमे को देखते रहें उत्तर प्रदेश में, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बड़े पैमाने पर यहाँ पर यह पूरा धंधा हो रहा है जिसमें मावा और इस तरह की तरह तरह चीज़ें, मिलावटी चीज़ें बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में उनका निर्माण होता है और उसके बाद पूरे उत्तर भारत में सप्लाई। क्या वाकई में हम ये मानते हैं कि स्वास्थ्य सबसे एक तरह से अलग रखी गई चीज़ है जिसके बारे में कोई ध्यान देना ही नहीं चाहता? मिलावट साल भर की सजा भी नहीं होती, क्या हम मानते हैं कि हमारी सेहत का कोई मतलब ही नहीं है सरकारों के लिए? ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें जो भी दूध घी खाने को मिल रहा है वो मिलावटी मिल रहा है जी। सामान्य दिनों में भी 30-40% मिलावटी नकली दूध मिलता है, मिलाया जाता है, और त्योहारों के वक्त पे और शादियों के ज़माने में वो प्रतिशत 60-70 मिलावटी नकली आ जाता है बाज़ार में, इसमें कोई संदेह नहीं है। और गांव-गांव में अगर दूर दूर देखा जाए तो हम यूरिया से दूध बनाया करता है, कहीं घरों में पकड़ा जा सकता है जी। इसमें ज़रा सा एक स्थिति में क्लियर कर दूं कि पुलिस के पास इस विषय में कोई ख़ास पावर्स नहीं है जी। ये फूड इंस्पेक्टर्स के लिए और हेल्थ डिपार्टमेंट का मुख्यतः काम है कि उसको देखें। ये सच है कि फूड इंस्पेक्टर्स की कमी है, और ये भी सच है कि फूड इंस्पेक्टर्स मिले हुए रहते हैं ज़्यादातर, इन लोगों से खुद ही मिले हुए रहते हैं तो उसको बहुत पकड़ना भी नहीं चाहते हैं, और कोर्ट्स में भी इन मामलों को थोड़ा सा लाइट दिया जाता है। देवी जी, मैं क्षमा चाहता हूँ लेकिन आपसे बस इतना जानना चाहूँगा, अगर आज हमारे पुलिस महकमे में थोड़ी सी सजगता हो तो क्या आपको लगता है कि किसी की हिम्मत भी हो सकती है कि मिलावट के इस कारोबार को आगे बढ़ा सके? आज अगर पुलिस वाकई में अपने पे आ जाए तो हमारे आसपास कहीं कुछ अपराध हो के संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता। बीट इंस्पेक्टर नाम की चीज़ तो खत्म हो गई हमारे सिस्टम से। नहीं देखिए, ऐसा है कि आप जो बात कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता है लेकिन पूर्ण सत्यता नहीं मानी जा सकती। पुलिस अपना काम, जो मर्डर डकैती जो उनका अपना काम है जी, ये काम उनके लिए अलॉट नहीं किया गया है, कानून उनको ये काम नहीं देता है कि फूड एंड एडल्ट्रेशन को देखे, जो विभाग है खुद देखे। अगर कल वो इंटरवीन करेगा पुलिस इंस्पेक्टर तो उसकी शिकायत हो जाएगी, दूसरे लोग नेता लोग बीच में पड़ जाएंगे और इसकी शिकायत प्रारंभ कर देंगे कि साहब ये क्यों पड़ रहे हैं बीच में, इनको अधिकार ही नहीं है। आजकल जो जनता है वो भी सजग हो चुकी है, नेता उससे ज़्यादा सजग है, और जो उन्हें प्रोटेक्ट करने वाला है उससे भी ज़्यादा सजग है, और पुलिस के खिलाफ एक्शन भी हो जाएगा। ये बात जरूर है कि अगर बहुत इफेक्टिव इंस्पेक्टर है तो थोड़ा बहुत दबा के रख सकता है, लेकिन पूर्णतः नियंत्रण नहीं कर सकता। इसमें शासन को अपनी मशीनरी को बढ़ाना भी चाहिए और थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल, देखा ही जाता है कि सामान्य दिनों में भी जब ओपनली दूध मिलावटी बन रहा है तो फूड इंस्पेक्टर जाके चेक नहीं करते हैं, पकड़ते नहीं है, और पकड़ने का उन्हें बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। दे दीजिए कि आप जो कह रहे हैं वो सत्य है बात। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां हम राजनीतिज्ञों की बात कर दें उसके बाद सारी दलीलें आके ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि यहीं पर आकर हम सब कुछ निछावर करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे राजनीतिज्ञ इस पूरे सिस्टम को इतना खोखला कर चुके हैं कि हम सब अब अस्पताल के अलावा और कहीं रहने लायक बचे ही नहीं हैं। मिलावट का ये गड़बड़झाला कितना बड़ा है, इसकी पैठ कितनी है, और किस तरह से इस अच्छे मौसम में जहाँ पर आप दीपावली मनाने को तैयार हैं वहाँ दरअसल आप मुँह मीठा नहीं, मुँह में जहर डाल रहे हैं, इसी बात को लेकर हम आपको आगाह कर रहे हैं।